हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल ऑटो स्पेस और मैं हूं सुरजीत। ऑटो स्पेस चैनल में आपको स्वागत करता हूं। बहुत सारे ब्रेक सिस्टम हमारा गाड़ी में यूज होता है, चाहे वो कार सेगमेंट में हो या हेवी कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में हो, जैसा मैकेनिकल ब्रेक, हाइड्रोलिक ब्रेक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक, इलेक्ट्रिक ब्रेक। तो एक ब्रेक सिस्टम जो कि बहुत ही चर्चा में है वो है रीजेनरेटिव टाइप ब्रेक सिस्टम। सो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे रीजेनरेटिव टाइप ब्रेक सिस्टम कौन सा गाड़ी में यूज होता है और पर्पस क्या है, क्यों ये ब्रेक सिस्टम हमारे गाड़ी में यूज होते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हूं। तो रीजेनरेटिव टाइप जो ब्रेक सिस्टम है वो ब्रेक सिस्टम क्या है, रीजेनरेटिव यानी दोबारा जो जेनरेट होता है जो चीज है उसको रीजेनरेटिव बोला जाता है। तो रीजेनरेटिव ब्रेक सिस्टम जो है नॉर्मल कन्वेंशनल ब्रेक सिस्टम से काफी अलग है। तो नॉर्मल कन्वेंशनल ब्रेक जैसा है हमारा हाइड्रोलिक ब्रेक या मैकेनिकल ब्रेक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो ब्रेक है उससे थोड़ा सा अलग है रीजेनरेटिव टाइप ब्रेक सिस्टम। तो हमको जरूरत क्या पड़ा, नॉर्मल गाड़ी में आप देखेंगे कन्वेंशनल ब्रेक सिस्टम है, जैसा पेट्रोल इंजन है, डीजल इंजन है, उसमें कन्वेंशनल ब्रेक सिस्टम है। बट रीजेनरेटिव टाइप ब्रेक सिस्टम जो है वो आपको हाइब्रिड कार जो होता है या आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल जो होता है वो दोनों गाड़ी में रीजेनरेटिव टाइप ब्रेक सिस्टम यूज होते हैं। तो उसको जरूरत क्या पड़ा रीजेनरेटिव ब्रेक सिस्टम का, तो जैसा डीजल इंजन मान लीजिए, एक उदाहरण के तौर पे डीजल इंजन में क्या होता है, टर्बो चार्जर यूज होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, टर्बो चार्जर को ऐसा जगह में फिट किया ताकि उसको घुमाने के लिए या चलाने के लिए हमको एडिशनल पावर की जरूरत ना पड़े। तो इसके लिए टर्बो चार्जर को हम लोग एग्जॉस्ट लाइन में फिट किया ताकि जब एग्जॉस्ट गैस निकलेगा उसका प्रेशर से हमारा टर्बाइन भी घूमेगा। देन जैसा टर्बाइन घूमेगा तो इंपेलर घूम के आपको बाहर से एयर कलेक्ट करके यानी सक्स करके आपको इंजन में डिलीवर करेगा, तब जाके हमारा इंजन का वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी हाई हो जाएगा। तो क्या है, टर्बो चार्जर को हम लोग डिजाइन किए करके ऐसा जगह में लगाया जो कि हमारे एडिशनल पावर नहीं लग रहे। सेम अगर आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल मान लीजिए तो उसमें क्या है, बैटरी को चार्ज करना पड़ता है तब जाके आपको व्हीकल चलता है यानी कार चलता है। तो कुछ देर जाने के बाद तो आपको चार्ज डाउन होगा, तो ऐसा कुछ इंजीनियरिंग करना पड़ेगा इसके अंदर, तब जाके आपको गाड़ी से ही आपको बैटरी चार्ज हो जाए। या जब हाइब्रिड कार होता है उसमें इंजन भी रहता है प्लस आपको बैटरी भी रहता है, यानी इंजन से भी ड्राइव होता है गाड़ी प्लस मोटर से भी ड्राइव होता है। तो मोटर जब चलता है हेवी पावर कंजम्पशन होता है बैटरी से, तो बैटरी को चार्ज करने के लिए ऐसा कुछ रास्ता ढूंढना पड़ेगा तब जाके गाड़ी भी चले प्लस बैटरी भी चार्ज हो जाए। तो ये सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक सिस्टम लगाया जाए वो ही रीजेनरेटिव टाइप ब्रेक सिस्टम। तो ब्रेक क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं डी एक्सीलरेट ऑफ व्हीकल स्पीड यानी व्हीकल एक्सीलरेशन को रोक देना को होता है ब्रेक। तो जब हम गाड़ी चलते हैं एक्सीलरेशन कंडीशन में तो बैटरी से काफी पावर मोटर के द्वारा हमको ड्राइव देता है रियर एक्सल को, तब जाके हमारा गाड़ी मूव करते हैं। तो अगर हमने ब्रेक दबा दिया तो क्या होगा, हम लोग एक्सीलरेशन को डाउन कर दिया यानी बंद कर दिया। तो एक्सीलरेशन जब बंद करते हैं यानी मान लो आपका गाड़ी ऐसा 100 किलोमीटर पर आवर में चल रहा है, तो हमने अगर यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट है इसको देख के ब्रेक लगा दिया, तो यहाँ पे अगर ब्रेक लगाया यहाँ से आपको ऑब्जेक्ट तक जाने के लिए कितना समय लगे, मिनिमम एक अप्रोक्सीमेट मान लो 40 सेकेंड या 50 सेकेंड समय लगेगा। तो ये 40 सेकेंड जो 50 सेकेंड समय लग रहा है ब्रेकिंग के लिए, तो उस कंडीशन में क्या होता है, गाड़ी तो मूव होते रहते हैं, गाड़ी तो यहां से यहां मूव होते रहते हैं, बट उस समय हमको बैटरी पावर नहीं लग रहा है बट गाड़ी मूव हो रहा है। तो गाड़ी जो मूव हो रहा है उसमें क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी को अगर हम लोग यूज कर ले बैटरी चार्जिंग पर्पस में तो हमारा क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, यानी मोटर जो चलाने के लिए बैटरी हाई कंजम्पशन होता है तो बैटरी चार्ज हो जाएगा। ये टेक्निक को काम पे लाने के लिए आपको रीजेनरेटिव टाइप ब्रेक सिस्टम यूज करते हैं। तो जैसा हमारा यहाँ से इस पॉइंट यानी 40 सेकेंड या 50 सेकेंड जो आइडल कंडीशन में गाड़ी मूव कर रहे, तो मूव करने के समय क्या करते हैं, हम ब्रेकिंग कन्वेंशनल ब्रेक सिस्टम में क्या करते हैं, ब्रेक ड्रम के अंदर आपको लाइनर या ब्रेक शू रहते हैं, वो ब्रेक शू जब लाइनर में फैल जाता है, फैलने से क्या होगा, लाइनर और आपको ब्रेक ड्रम के फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन होने से क्या होगा, गाड़ी रुक जाता है। तो क्या होता है, वो जो एनर्जी है वो एनर्जी फ्रिक्शन के द्वारा हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है जो कि पूरा लॉसेस हो जाता है। अगर हम लोग गाड़ी यहाँ से जो ब्रेकिंग किया, ब्रेक से आपको डिस्टेंस जो जा रहा है इतना दूरी में, यानी इतना दूरी मान लो आपको 100 मीटर दूरी है, तो 100 मीटर जो काइनेटिक एनर्जी गाड़ी का है यानी गाड़ी 100 मीटर जो मूव कर रहा है ब्रेक कंडीशन में, उस मूविंग को अगर हम लोग कैसे भी पकड़ पाए यानी चार्जिंग के लिए, तो वो हो गया आपको रीजेनरेटिव ब्रेक सिस्टम।
तो जैसा मैंने बताया यहाँ पे ब्रेक दबाया तो यहाँ जाके रुकना है, तो 100 मीटर हम गाड़ी ऐसे ही नॉर्मल मूव कर रहे हैं और वहां पे टाइम है 40 सेकेंड। अगर आपने मान लो ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल है, यानी फुल्ली इलेक्ट्रिकल व्हीकल है, ये है इलेक्ट्रिकल व्हीकल, तो जैसा मैं 100 किलोमीटर पर आवर स्पीड से जा रहा था तो उस समय क्या हो रहा था, यहाँ पे चार्ज इस तरह हो रहा था, यानी बैटरी से पावर आ रहा था कंट्रोलर में, कंट्रोलर से मोटर, मोटर से आपको रियर एक्सल तक सप्लाई हो रहा था। हमने ब्रेकिंग किया तो ब्रेकिंग किया दी एक्सलेटर व्हीकल स्पीड, यानी एक्सलेटर को बंद हो गया, तो यहाँ से आपको यहाँ तक व्हीकल जो रन कर रहा है यानी आइडल कंडीशन में जा रहा है आपको 40 सेकंड समय लग रहा है। तो उस समय कंट्रोलर क्या करते हैं, बैटरी से जो पावर कंट्रोलर हो गया मोटर में आ रहा था वो पावर क्रॉस कर दिया, यानी इस तरफ जो पावर आ रहा था वो बंद कर देते हैं। तो बंद करने से क्या होगा, मोटर एक्स्ट्रा पावर बैटरी से ले नहीं रहे, बट गाड़ी जो यहां से यहां तक रन कर रहा है ये रन कंडीशन में व्हील भी घूम रहा है, प्लस व्हील के साथ मोटर के साथ जो प्रोपेलर शाफ्ट फिट है रियर एक्सल में ये भी घूम रहा है। तो जैसा प्रोपेलर शाफ्ट घूम रहा है तो मोटर क्या होगा वो भी घूमने लगेगा, जैसा मोटर घूमेगा क्या होगा, मोटर से ये जनरेटर बन जाएगा। तो जैसा मोटर से जनरेटर बन गया फिर आपको करंट प्रोड्यूस होना लगता है, तो इस तरह का फिर करंट फ्लो होता है, यानी बैटरी को चार्जिंग करते हैं। तो ये होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो मॉडल है। देन आता है एक और आता है इलेक्ट्रिक प्लस इंजन, यानी हाइब्रिड व्हीकल जो आता है वो हाइब्रिड। तो हाइब्रिड में क्या होता है, यहाँ पे इंजन तो रहता ही है, इंजन से पावर आपको ट्रांसमिशन में आता है, देन ट्रांसमिशन से रियर एक्सल में पावर आता है, देन गाड़ी आगे और पीछे मूव करते हैं। तो इस कंडीशन में यहाँ पे मोटर भी रहता है वो भी ट्रांसमिशन का ड्राइव रहता है, या कुछ कंडीशन ऐसा होता है जिसमें इंजन आपको गाड़ी को चलाता है, इंजन से पावर आता है, बट ऐसा कुछ कंडीशन रहता है जिसमें आपको मोटर ट्रांसमिशन को ड्राइव देता है, उस समय इंजन का फंक्शन बंद हो जाता है तो गाड़ी चलता है। तो ये हाइब्रिड कार के बारे में हमारे चैनल में ऑलरेडी वीडियो है, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर जरूर देखें। और यहाँ पे मोटर से कंट्रोलर, कंट्रोलर हो गए बैटरी, तो ये हो गया आपको हाइब्रिड कार का जो मॉडल है वो। तो इसमें रिजेनरेटिव टाइप ब्रेक सिस्टम भी यूज होता है, वो है इंजन से पावर जैसा ट्रांसमिशन से आ रहा है और गाड़ी को मूव कर रहा है, यानी गाड़ी हमारा 100 किलोमीटर पर आवर स्पीड में चल रहा है। जैसा मैंने यहाँ पे ब्रेक दबाया, इस पॉइंट में ब्रेक दबाया, तो यहाँ पे रुकने के लिए जैसा मान लो 100 मीटर रुकने के लिए आपको 40 सेकेंड समय लगे। तो जैसा हमने ब्रेक लगाया तो इंजन से जो पावर आ रहा था वो आना कैंसिल हो जाता है, यानी इसके अंदर ऐसा सिस्टम है इंजन से पावर आ रहा था वो आना कैंसिल हो जाता है। तो कैंसिल होने से क्या होगा, क्योंकि गाड़ी तो मूव कर रहा है, मूव करेगा तो आपको प्रोपेलर शाफ्ट भी घूमेगा, ये भी ऐसे घूमेगा, और इंजन से ऐसा हमारा सप्लाई आना बंद हो गया, तो ये जो शाफ्ट है इसके साथ ट्रांसमिशन के द्वारा इस तरह का कनेक्ट हो जाएगा आपको मोटर के साथ, मोटर के साथ कनेक्ट होगा तो मोटर भी घूमने लगेगा। जैसा गाड़ी यहाँ से आइडल मूव कर रहा है 100 मीटर, उस समय ये प्रोपेलर शाफ्ट भी घूमेगा, प्लस प्रोपेलर शाफ्ट के साथ मोटर कनेक्ट हो जाएगा, मोटर भी घूमेगा। तो मोटर जैसे घूमेगा उस तरह का मोटर भी जनरेटर बन जाएगा, ये मोटर भी जनरेटर बन जाएगा, तो क्या होगा आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा इस तरफ और फ्लो होकर आपको बैटरी भी चार्ज कर देगा। तो ये होगा रीजेनरेटिव टाइप ब्रेक सिस्टम। जैसा आपने फिर एक्सलेट करना शुरू कर देगा तो यहाँ पे फिर सप्लाई आपको जैसा ट्रांसमिशन इंजन होकर ट्रांसमिशन में आ रहा था उस तरह का हो जाएगा, और यहाँ पे जो चार्जिंग हो रहा था यानी जनरेटर फिर मोटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये था रिजेनरेटिव टाइप ब्रेक सिस्टम। तो हम सोचते हैं कि रिजेनरेटिव टाइप जो ब्रेक सिस्टम है उसमें गाड़ी बिल्कुल स्टॉप हो जाएगा, ऐसा नहीं है। रिजेनरेटिव टाइप ब्रेक सिस्टम में भी कॉन्वेंशनल ब्रेक सिस्टम रहते हैं, क्योंकि रिजेनरेटिव टाइप ब्रेक सिस्टम में आप सारे तो ब्रेक लगा नहीं सकते, आपको कुछ डिस्टेंस जाना पड़ता है उसके बाद ब्रेक लगता है। तो अगर हमको तुरंत जरूरी पड़ा तो क्या करेंगे, तो उसमें भी कॉन्वेंशनल ब्रेक सिस्टम रहते हैं, बट जितना हो सके रिजेनरेटिव टाइप ब्रेक सिस्टम में क्या हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाए बैटरी चार्जिंग के लिए, उसके बाद अगर आपको एक्स्ट्रा जरूरत पड़ता है तो आप जाके कॉन्वेंशनल ब्रेक सिस्टम यूज कर सकते हैं, यानी ड्रम ब्रेक या डिस्क ब्रेक जिस तरह का ब्रेक है वो भी आप यूज कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल या हाइब्रिड व्हीकल के लिए एक अच्छा टेक्नोलॉजी है बैटरी चार्जिंग करने के लिए, क्योंकि इसमें जब गाड़ी चलती है तो हाई बैटरी का जो है वो पावर कंजम्पशन होता है। तो आई होप रीजेनरेटिव टाइप ब्रेक सिस्टम के बारे में आपका डाउट क्लियर हो गया, जो ये रीजेनरेटिव ब्रेक सिस्टम क्यों गाड़ी में लाया गया है और किस तरह का काम करते हैं। अगर इसके बारे में कुछ भी डाउट रहेगा तो आप जरूर मुझे कमेंट करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन करके इसीलिए दबा देना ताकि ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।